सबसे पहले शाही बंदगी इस आश्रम के महाराज पूजनीय महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और जम्मू के रांजड़ी जो सांबा के नजदीक सत्य साहिब बंदगी का जो आश्रम है अपने आप में एक बहुत दिव्य अलौकिक स्थान है, और यहाँ आकर लगता है कि यहाँ साक्षात ईश्वर का निवास है। जिस स्थान पे हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है, जिस भूमि पर संतों के चरण पड़ते हैं अथवा संत तपस्या साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन संध्या करते हैं, वह भूमि वह स्थान बहुत तेजोमय और तपस्वी होता है। वहां शक्तियों का वास होता है, वहां सत्य का, धर्म का प्रकाश होता है। और रांजड़ी के इस पवित्र देवस्थान पे हम ऐसा महसूस करते हैं, साक्षात अनुभव करते हैं इस दिव्य स्थान की लौकिकता को, यहाँ के दिव्य तेज को हम अनुभव करते हैं। ये सब महाराज जी की तपस्या, साधना, पूजा पद्धति, धर्म के प्रति कार्य, सेवा कार्य जो इन्होंने किए हैं, इसका प्रमाण इस ये स्थान देता है। यहाँ आकर व्यक्ति को मन में बहुत शांति और सुकून प्राप्त होता है। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा बगीचा होगा जो गर्मियों में, जहां सेब की खेती होती है, 40-45 डिग्री के क्षेत्रों में इतने बढ़िया सेब जो कश्मीर में भी नहीं होते हैं, इस क्षेत्र के अंदर हैं। ये सब महाराज जी का पुण्य प्रताप है, ये प्रभु की कृपा, इनकी पूजा, इनकी तपस्या, इनकी साधना और ईश्वर की दिव्य शक्तियां। मैं महाराज जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो उन्होंने इतना बड़ा कार्य विस्तार इस क्षेत्र में किया है, और वहीं जो धर्म की दृष्टि से लोगों को ज्ञान दिया है, सत्य का, धर्म का, मर्यादा का, सच्चाई का, अच्छाई का, इसके लिए भी हम महाराज जी का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस क्षेत्र में इतने उच्च कोटि के संत हैं। वैसे भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, इसलिए भारत भूमि ज्ञान की भूमि है, संस्कृति की भूमि है। सर, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि धार्मिक संस्थाओं का वहन किया था कि वो आगे आए और लॉकडाउन पीरियड में आगे इन मजदूरों का, इन गरीब वर्ग का थोड़ा सहयोग करें, इसमें साहिबंदगी संस्था का आपके विचार? मैं हृदय से महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस लॉकडाउन के चलते लगभग 45-50 दिनों तक लगातार सत्य साहिब बंदगी रांजड़ी आश्रम से हर रोज 10,000 से ऊपर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन बनके पका हुआ भोजन वितरित होता है। यह बहुत बड़ा ईश्वरी कार्य है, और ईश्वर की प्रेरणा से कोई सिद्ध पुरुष, कोई संतजन ही कर सकते हैं, जो महाराज कर रहे हैं। हम हृदय से महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने देश सेवा का बहुत बड़ा कार्य किया है। वैसे भी महाराज जी के जीवन में इन्होंने बहुत लंबे समय तक देश की सेना में एक कमांडो के नाते से काम किया है। रजौरी पुंछ से लेके कश्मीर घाटी से लेके सियाचिन ग्लेशियर जैसे बर्फानी पहाड़ों के ऊपर महाराज जी ने अपनी देश के प्रति सेवाएं दी हैं, और आज संत के नाते से देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा और भारत भूमि की सेवा कर रहे हैं, और नौजवानों के देश के प्रति प्रेरणा दे रहे हैं। इससे बड़ा अतुलनीय कार्य और क्या हो सकता है। ये महाराज जी की महानता है, और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे सिद्ध महान पुरुषों के हमको दर्शन हुए और इनकी सेवा में कार्य करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। आपको धन्यवाद। यहाँ पधारे हैं,